जो है आप देख रहे हैं खास बात, दिन भर की ताजा तरीन गतिविधियों के साथ हमें आज खबरों के विस्तार की तरफ ले चलते हैं। दुर्गा पूजा करीब है, लिहाजा दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रशासन भी काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। आज पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक रोड मैप जारी किया गया। आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नरेट लक्ष्मी मीना ने यह मैप जारी किया और इस संदर्भ में बहुत तरह की जानकारी प्रेस की। पुलिस कमिश्नर दफ्तर में हुए संवाददाता सम्मेलन में पुलिस आयुक्त ने पूजा गाइड मैप के अनावरण के अलावा और भी कई विषयों पर प्रकाश डाला। इन्होंने बताया कि पूजा के माहौल में शहर में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इनमें हर थाना द्वारा समाज के सभी पक्षों को साथ लेकर पीस मीटिंग करना सबसे प्रमुख है। इसके अलावा सभी कमेटियों को डीजे का इस्तेमाल न करने तथा अखाड़ों को हथियारों का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई है। पूजा कमेटी देर संगे और अखाड़ा कमेटी देर संगे कोऑर्डिनेशन मीटिंग करा हुए छे, पीस मीटिंग करा हुए छे, सवाय पुलिस सर संगे सहयोगितार आश्वासन दिए छे, ताजन सर्वसम्मति से निर्णय लिया हुआ छे, कोनो विसर्जने डीजे थकबे ना और अखाड़ाते कोनो आर्म्स थकबे ना, उनारा सभाय सहमति दिए छे। स्पेशल एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स मुतायन करा होवे, QRT थकबे, स्पेशल मोबाइल थकबे और राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम सीनियर ऑफिसर दिए मैन करा होवे। 57 मतो पुलिस असिस्टेंट बूथ करा हुआ छे, जाते ना हो ताजनी तो हमें बोल रहा हम कि आगे कोऑर्डिनेशन मीटिंग करा हुआ छे, प्रत्येक दो कम्युनिटी संगे बसा हुआ छे और ये छाड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप जो है 107, 110, 109 और जो इलीगल आर्म्स रिकवरी प्लस ओटाते जखन हो चलो सेटा हमरा कस्टोडियल ट्रायल कराते पेरे छिलाम, तारा जखन दंगा करे छे तारा एखन पर्यंत बेल्ड आउट होनी सेटा एकटा बड़ो अचीवमेंट, तो ओटाते एकटु इम्पैक्ट होबे। तो एबार कम्युनिटीज जो फीडबैक आछे दू कम्युनिटी केउ अशांति चाय ना, सबाई शांतिते करबे एटा आमादेर दृढ़ विश्वास आछे। प्रशासन के इन कदमों का समाज के हर वर्ग ने स्वागत किया है। इसके साथ ही पुलिस आयुक्त ने कहा कि दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु शिल्पांचल के 57 स्थानों पर सहायता बूथ लगाए गए हैं, जो खासकर बाहरी दर्शनार्थियों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। किसी भी प्रकार की अशांति से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स तथा रैपिड एक्शन फोर्स की भी व्यवस्था की जाएगी। खास बात आसनसोल। मैं वसीम खान, मेरे और मेरे सारे परिवार की तरफ से आप सभी भाई और बहनों को दुर्गा पूजा और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और दूसरी तरफ एक खबर आ रही है हमारे पास से बंगाल के पराकर इलाके से, सेफ लाइफ सेफ ड्राइव की, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ से संबंधित एक खबर हमारे पास आई है, जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ एक अभियान चलाकर किया गया और लोगों को जागरूक भी किया गया। आइए देखते हैं ये न्यूज़। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से इन दिनों विभिन्न थानों द्वारा सेफ ड्राइव सेफ लाइफ अभियान चलाया जा रहा है, जिससे आम जनता में ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी हो तथा सड़क हादसों में कमी आए। इसी क्रम में बराकर बस स्टैंड में भी बराकर फाड़ी की तरफ से ऐसा ही एक अभियान चलाया गया। अभियान में बराकर फाड़ी के ICP सुदीप्त घोष तथा कुल्टी ट्रैफिक पुलिस के OC सहित कई शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न चार चक्का तथा दो चक्का वाहनों पर सेफ ड्राइव सेव लाइफ के स्टिकर लगाए गए। আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম সব জায়গাতে করছি, বড় বাচ্চাদেরও করছি, প্রত্যেকে যাতে উইদাউট হেলমেট পরে না যায়, টিভি লাইট যাতে না যায়, গাড়ি যারা না চালায় সেই জন্য প্রত্যেকে আমরা অ্যালার্ট করছি এবং আমরা সেফ লাইফে স্টিকার চিপিয়ে দিচ্ছি। SDL স্টিকার আমরা চিপিয়ে প্রত্যেকে অ্যাওয়ারনেস। मगर अचरज की बात ये रही कि आला पुलिस अधिकारियों के सामने से मोटरसाइकिल सवार बिना हेलमेट पहने गुजर रहे थे, उन्हें पकड़ना तो दूर, पुलिस अधिकारियों ने उनसे पूछताछ करने की भी जहमत नहीं उठाई। क्या सेफ ड्राइव सेव लाइफ अभियान का मकसद सिर्फ पुलिस अधिकारियों द्वारा गाड़ियों पर स्टिकर लगाने तक ही सीमित है? खास बात बराकर।
हाँ बोलिए सर। दुर्गा पूजा सामने आ चुका है, इस अवसर पर मैं पूरे शिल्पांचल वासियों को अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि पूजा में आप तमाम इलाके में घूमिए, पंडाल का आनंद लीजिए, लेकिन किसी अफवाह में नहीं पड़ना है। ऐसे ऐसे मौके पर, ऐसे त्यौहार के मौके पर बहुत सारे अफवाह फैलाते हैं लोग, उससे बचना है। साथ ही साथ हम तमाम लोगों को मिलकर दुर्गा पूजा का आनंद लेना है। ये त्यौहार वेस्ट बंगाल का होता है, पूरे भारत में, लेकिन बंगाल में सबसे ज्यादा इस त्यौहार को मनाया जाता है। पूरे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का धूम है। अभी हर लोग अपने परिवार के लिए कपड़ा खरीदते हैं, गरीब अगर होते हैं तो उसको भी कपड़ा वस्त्र दान करते हैं लोग, इसलिए कि खुशी का त्यौहार है, इसमें तमाम लोग मिलजुल के खुशी मनाए। मैं एक बार फिर यही कहना चाहूंगा कि किसी अफवाह में नहीं पड़ना है और दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक हम लोगों को मनाना है। ये देश हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, यहाँ पे हम तमाम लोग मिलजुल के रहते हैं, इसमें ऐसा नहीं कोई रखना डालने के लिए कोशिश करे, उसका हम तमाम लोग मिलकर भरपूर जवाब दें। धन्यवाद, दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, धन्यवाद। और उसके बाद हम आपको ले चलते हैं पांडवेश्वर, बंगाल के पांडवेश्वर इलाके के बहुला इलाके में। बहुला में एक स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किया गया, इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के मेयर सहित कई गणमान्य लोग खासतौर से मौजूद थे। दुर्गा पूजा के दौरान रात में मां का दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए पांडवेश्वर ब्लॉक के बहुला इलाके में स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के मेयर तथा पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी तथा आसनसोल दक्षिण के विधायक तापस बनर्जी विशेष रूप से मौजूद रहे। इनके अलावा पांडवेश्वर ब्लॉक के बीडीओ समेत भारी संख्या में आम जनता भी उपस्थित थी। खास बात पांडवेश्वर। पूजा के शुभ अवसर पर सभी को और मंगलमय जीवन का कामना करते हैं। दुर्गा पूजा के दिन सब आनंदमय हो, सभी आनंद से अपने दुर्गा पूजा मनाएं और आज इसके प्रति, इसके अलावा भी स्वास्थ्य के प्रति अपना ध्यान रखें। बाहर में खाना पीना से लेकर आज थोड़ा ध्यान रखें, खुले जगह में जो खाना पीना बिक्री होता है, इन सबको भी नहीं खाना, अवॉइड करना होगा। और माँ देवी दुर्गा सबको सुस्त रखे, सबल रखे और मंगलमय जीवन का सबको कामयाब हो और जीवन का अग्रगति हो, यही कामना। मित्रों, इन दिनों साइबर क्राइम का जोर बढ़ता ही जा रहा है, लाख बंदिशें लगाई जाए, लाख उस पर कार्रवाई हो रही, साइबर क्राइम तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया रानीगंज इलाके में और इस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान काफी तादाद में लोग मौजूद भी थे और लोगों को ये जानकारी दी गई कि किस तरह से साइबर क्राइम पर अंकुश लगाया जा सकता है। इन दिनों साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, हर रोज कहीं न कहीं से ऐसे अपराध की खबरें आती रहती हैं और खासकर नई पीढ़ी इसका शिकार बनती है।
ऐसे में बस एक चीज जो हमें बचा सकती है वो है जागरूकता। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस तथा रानीगंज के ग्रीन क्लब के संयुक्त प्रयास से रानीगंज गर्ल्स कॉलेज में साइबर तथा सोशल मीडिया अपराधों पर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। और आके वो पूछता है कि आपका एटीएम का पासवर्ड दे दीजिए, एटीएम का नंबर दे दीजिए। आप लोग को सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ना? ओके, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिएगा फिर से, ठीक है? तो एटीएम का पासवर्ड अभी मांग रहा है और बोल रहा है कि एटीएम का पासवर्ड आप लोग दे दीजिए, आपका एटीएम ब्लॉक होने वाला है। तो इस समय हम लोग को क्या करना चाहिए, क्योंकि नियरेस्ट हम लोग का जो ब्रांच है जहाँ पे हम लोग का अकाउंट नंबर खोला गया है, तो वहाँ पे जाके हम लोग को एक ये सूचना देना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति या किसी भी फोन कॉल पे हम लोग एटीएम का पिन नंबर नहीं देना चाहिए, हम लोग नहीं देंगे। हमारा देखते जाए ताहले देखो जो हमारे हृदपिंड, मतलब हार्ट हम लोग के शरीर के लिए सबसे अहम हिस्सा है। अगर हार्ट बंद हो जाएगा तो पूरा शरीर ही चला जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो यही हम लोग का ये जो 100 आर है, कंट्रोल रूम है, ये पूरा आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पूरा मेन जो कंट्रोल करता है ये कंट्रोल रूम से होता है। तो आजकल जितना क्राइम बढ़ गया है, खासकर साइबर क्राइम, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सब लोगों का एटीएम के माध्यम से, सब जो आने वाली पीढ़ी है वो ठगी जा रही है। इस उपलक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने थाना पुलिस के डीसीपी साइबर क्राइम सबसे कॉन्टेक्ट किया और आज गर्ल्स कॉलेज में ये प्रोग्राम किया, जिससे बच्चियाँ ये देखकर सचेतन पा सके कि हम लोगों को कैसे ठगा जाएगा और कौन ठग लेगा। और जो सेक्सुअल हैरासमेंट आने वाले पूजा में जो ये लोग प्रोग्राम को देखकर अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। और इस मौके पर एडीसीपी आलोक मित्रा, रानीगंज थाने के प्रभारी सुब्रत घोष के अलावा ग्रीन क्लब के तमाम सदस्यगण भी मौजूद थे। शिविर के दौरान रानीगंज गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं को साइबर अपराधों से निपटने की जानकारी दी गई। खास बात रानीगंज, हमें श्री हरिराम सिंह और रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के सफल के जाना दुर्गा पूजार प्रति शुभेच्छा। हमारे अपन का सकल अनुरोध जो अपनारा सपरिवार एस हमारे जो नितुरिया ब्लके दुर्गा पूजा होमन धामुरिया बातानेश्वर पूजा कमिटी, नितुरिया, सरबड़ी, पारबेलिया, कुआपुर, ये समस्त पूजोते एसे আমাদের যত এলাকাতে দুর্গা পুজো হচ্ছে সকলকে সাফল্য। दुर्गा पूजा को लेकर ट्रैफिक इंतजाम भी काफी बेहतर अगर नहीं होता है तो काफी दिक्कतें होती हैं। इसी को देखते हुए ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेस मीट की गई और प्रेस को कई तरह की जानकारियां दी गई कि किस तरह की रणनीति बनाई गई है इस बार ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, ये तमाम चीजें बताई गई प्रेस को। आइए देखते हैं रिपोर्ट। दुर्गा पूजा तथा दिवाली के मद्देनजर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी सुरक्षा इंतजामों में कोई ढील नहीं बरतना चाहते। इसी को ध्यान में रखते हुए रानीगंज ट्रैफिक ओसी प्रसन्नजीत बसाक ने एक प्रेस मीट की। इस दौरान इन्होंने कई अहम जानकारियां दी। रानीगंज ट्रैफिक गार्ड के भारप्राप्त अधिकारी प्रसन्नजीत बसाक, सब इंस्पेक्टर प्रसन्नजीत बसाक, आगाम के दुर्गा पूजा आ रहा है उसके लिए कुछ विधि निषेध है और कुछ हमारा मतलब आवेदन है आप सभी से, रानीगंज वासियों से सब आवेदन है थोड़ा, वो मैं आप प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कुछ बोलना चाहता हूँ। मतलब जो रेस्ट्रिक्शन है कुछ जगह में पूजा के, दुर्गा पूजा के लिए रेस्ट्रिक्शन है और मतलब सुस्त तरीके से पूरा निकल जाए दुर्गा पूजा, सब अच्छे से निकल जाए इसीलिए कुछ मतलब हम लोग रेस्ट्रिक्शन कर रखे हैं ताकि शांति भी बजा रहे और सब आराम से दर्शनार्थी जो है ठाकुर दर्शन भी कर पाए। ये 15 से 20 तक चलेगा जो रेस्ट्रिक्शन है, यानी पंचमी से एकादशी तक चलेगा। নমস্কার, আমি সরিতা তুরি, পুরুলিয়া জেলার পক্ষ থেকে দুর্গা পূজার আপনার সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
और उसके बाद हम आपको लिए चलते हैं एक खबर की तरफ। गोरखपुर से हमारे पास एक खबर आई है। गोरखपुर के एक ज्योतिषाचार्य रविशंकर पांडे ने ये भविष्यवाणी की है कि 2019 में लोकसभा चुनाव होना है और इस बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही 2019 के लोकसभा चुनाव में, और अगर राहुल गांधी को सफलता चाहिए तो उन्हें शादी करनी पड़ेगी। अगर 2019 से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी वह शादी कर लेते हैं तो वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा रविशंकर पांडे जी ने कहा है, जो ज्योतिषाचार्य हैं, गोरखपुर के जाने माने ज्योतिषाचार्य। और उन्होंने ये दावे के साथ कहा है, उन्होंने ये दावा किया है कि अगर राहुल गांधी 2019 से पहले यानी लोकसभा चुनाव से पहले वो शादी कर लेते हैं तो वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। आइए इस खबर के साथ हम लेंगे आपसे विदा। हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।